लोग इंशाल्लाह लबैक कहेंगे कि हम दिल्ली के साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। अलम वगैरह एक तरकीब में लगा कर इंशाल्लाह जुलूस की तैयारी में इंशाल्लाह खड़े रहे रावट तक इंशाल्लाह हम खुशी के बारे में इंशाल्लाह हमें और मौलाना सरवर अहमद सूफी साहब के लिए जो जगह बनाए हैं वो भी है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद ही के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यार मुल्क के हालात बदल सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, और इसके बाद हमारे मरकज़ अहले सुन्नत पाशबान मस्जिद बारा इमाम अली मोहल्ला मस्जिद के इमाम सैयद सरवर अहमद, हमारी अदबन गुजारिश है कि वो थोड़ी देर जो है मुख्तसरन करबला का पैगाम, हुसैन का पैगाम, अहले बैत पैगाम, अहले बैत अथार का पैगाम यही है कि इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर हम जिएंगे और इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर हम मरेंगे। कोई ना कोई यजीद पैदा होते रहता है जो कभी कुरान पर हमला करता है, कभी इस्लाम पर हमला करता है, कभी अहले बैत पर हमला करता है, कभी सहाबा की अजमत पर हमला करता है, कभी शरीयत मुतहरा पर हमला करता है, कभी इस्लामी कवानीन पर हमला करता है, कभी हमारी मस्जिदों पर, हमारी दरगाहों पर, हमारी खानकाहों पर, हमारे दीनी मदरसे पर यकीनन रातों दिन हमला किए जाते हैं। ढोल बजाकर, नाच कर, शराब पीकर हुसैन का अगर कोई नारा लगाता है मैं आपकी अदालत में छोड़ता हूँ, ये हुसैन के साथी है कि यजीद की? तब से ही सहरा में आपने तलवारों के नीचे में सिजदा अदा किया, आपने नमाज अदा की, तो ए हुसैन के मानने वालों नमाज इतनी अजीज चीज है। अब अगर हम फर्ज नमाजों को छोड़कर हुसैन हुसैन का नारा लगाए तो आपकी अदालत में रखता हूँ ये हुसैनी है, यह अजीबी है ना। यकीनन अगर हमें दावा है हुसैनी होने का, हमें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, कुरान की तिलावत की पाबंदी करनी पड़ेगी। وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بشأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي مروق إمام تاريخ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين سيدنا مولانا محمد اللهم صل على पूछिए कि क्या हुसैन है, दूर के दूर है मेरा हुसैन, किस के दे हसी जो कह गए मोइन उद्दीन, क्या हुसैन हक हुसैन, या हसन, 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 या हसन,
इंशाल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं मुसलसल 3 साल से मोहम्मदिया युद्ध ग्रुप के जानिब से एक बेहतरीन जुलूस हुसैनी निकाला जा रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जुलूस निकल रहा है, जिसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसे जुलूस से जुड़ेंगे तो गलत जगह से बचेंगे, अगर ऐसे जुलूसों से जुड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गलत जुलूसों से बचेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छा पैगाम इमाम हुसैन के नाम से दे सकते हैं। माशाल्लाह मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इन जुलूसों से जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल है हमारे जुलूस का और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह के फजल से एक गर्व भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टारगेट किया था हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है। मुहर्रम शरीफ का नाम बहुत ख़राब हो गया था और इसे एक खुराफतों की ईद बना दी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत को चाहने वाले अहले बैत के सच्चे मानने वाले सहाबा के सच्चे मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया इमाम हुसैन रज़ियल्लाह तआला अन्हु के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर बहुत मुतमईन है हम लोग। आप सही दीन से जुड़े इंशाल्लाह, दीन के लिए सही काम करें, खुराफतों का काम करेंगे तो जब तक खुराफत दुनिया में ज़िंदा रहेंगे तब तक आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा, और इंशाल्लाह सही काम करेंगे जब तक क़यामत तक सही काम रहेगा तब तक आपको इंशाल्लाह उसका अजर व सवाब भी मिलता रहेगा। हमारा यही मिशन है कि इंशाल्लाह सारी इंसानियत को नजात के रास्ते पर हमें लाना है इंशाल्लाह। Yeah.